गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फॉर्मूला शून्य समुच्चय की हेल्प से। ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। शून्य समुच्चय जो फॉर्मूला है उसके कई एप्लीकेशन हैं। अलग अलग इक्वेशंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज़ होता है, और इन एप्लीकेशंस की यूज से ये जो इक्वेशंस हैं इनको इजीली सोल्व किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है 2x+1 (+x+3) = 5x+4। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन है, तो इन सब का एडिशन करेंगे तो आएगा 2x+1 (+x+3) = इधर दे रखा है 5x+4। LHS में देखो कितना होगा, 2x और 1x, ये 3x हो गए। 3x+3 और 1 = 5x+4। इक्वेशन के LHS और RHS दोनों साइड में जो इंडिपेंडेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में जिसको बोलते हैं, यहाँ 4 दिया हुआ है, ये दोनों साइड में इक्वल है। यदि इंडिपेंडेंट टर्म्स दोनों साइड में इक्वल हो तो वहाँ एप्लीकेशन लगता है, एक्स की वैल्यू वहाँ जीरो हो जाती है, एक्स की वैल्यू वहाँ जीरो हो जाती है। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड में इंडिपेंडेंट टर्म जो हैं, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो वी राइट डाउन दैट इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ बोथ साइड आर सेम, दोनों साइड में सेम है, दोनों साइड में 4 है, देयरफॉर तो क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये एक एप्लीकेशन है। यदि इक्वेशन में दी गिवन इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म यदि दोनों साइड में सेम हो तो वहाँ एक्स की वैल्यू, वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो चाहे कोई भी इक्वेशन हो। सब इक्वेशन में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकंड इक्वेशन देखो, (a(x-1) + (b(x-1) = (c(x-1) + (d(x-1)। यहाँ (x-1) 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 ए बी सी और डी सबके साथ कॉमन है, सेम है, तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन बनता है। एप्लीकेशन क्या बनता है, वी नो दैट ax + bx = cx + dx। यदि ऐसा इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी हुई हो तो वहाँ देन x = 0। यदि इस इक्वेशन में कोई, इस फॉर्म में यदि कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी। ax + bx = cx + dx। तो यहाँ ऊपर देखें, ये इसी इक्वेशन में है, a का जो मल्टीपल है वो है x-1, बी का मल्टीपल भी क्या है x-1, सी का मल्टीपल x-1, डी का मल्टीपल x-1,
वन, तो वहाँ ये जो एप्लीकेशन है वो काम आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स की जगह लिख देंगे एक्स माइनस वन। देखो ए एक्स, एक्स की जगह लिखा हुआ है एक्स माइनस वन, बी एक्स, एक्स की जगह लिखा हुआ है एक्स माइनस वन। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा ज़ीरो। अब इसको शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू, इधर माइनस का है, जैसे ही आर एच एस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा आंसर। ये छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस नाइन, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, इधर एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, ये दोनों भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। इनको सोल्व करते हैं पहले, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस नाइन, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे अगला टर्म है प्लस वन, तो प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस नाइन से। पहले एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स को एक्स से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एक्स प्लस नाइन। सेम ऐसे इधर सोल्व करो तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री की पावर हो जाएगी टू। सेम है एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री की पावर टू हो जाएगी, और ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन दोनों के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो सेम है, इधर भी इंडिपेंडेंट टर्म नाइन है और इधर वाली इक्वेशन में भी इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब जिसके साथ एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो, अकेली जो कॉन्स्टेंट होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट टर्म। तो इधर भी नाइन है, इधर भी नाइन है, तो क्या लिखेंगे? इंडिपेंडेंट टर्म्स ऑफ बोथ साइड, ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, आर सेम, सेम है दोनों साइड में, नाइन है। देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो। अब सेम ऐसे ही अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन थ्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन फोर प्लस एक्स अपॉन वन। इस इक्वेशन के लिए अलग जो आइडेंटिटी है या एप्लीकेशन यूज होगा, इस इक्वेशन में देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड में न्यूमिरेटर की वैल्यू सेम है, दोनों साइड में क्या है, न्यूमिरेटर की वैल्यू सेम है, इधर भी एक्स 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 एक्स। तो यदि न्यूमिरेटर की वैल्यू सेम हो तो क्या आइडेंटिटी होती है? न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर अक्ष असम में इज सेम इन बोथ साइड, दोनों साइड में न्यूमिरेटर सेम है। यदि एप्लीकेशन क्या होता है, यदि गिवन इक्वेशन में न्यूमिरेटर बोथ साइड में सेम हो तो सम ऑफ डेनोमिनेटर करेंगे एलएचएस साइड का, और सम ऑफ डेनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमिरेटर करेंगे आरएचएस साइड का। न्यूमिरेटर तो सेम आ गए दोनों साइड में, तो इधर वाला
एल एच एस साइड के जो डेनोमीटर है उनका सम करेंगे और आर एच एस साइड के जो डेनोमीटर है उनका सम करेंगे। यदि दोनों सेम आ जाते हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देयर फोर सम ऑफ डेनोमिनेटर सम ऑफ डेनोमिनेटर इन आर एच एस इन आर एच एस आर एच एस साइड के डेनोमीटर का सम करेंगे तो टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। सम ऑफ डेनोमिनेटर इन एल एच एस ये एल एच एस था और अब आएगा आर एच एस। एल एच एस 2 प्लस 3 5 आर एच एस में हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। दोनों साइड में डेनोमीटर का सम जो है वो इक्वल आ रहा है इसलिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस एप्लीकेशन से जहाँ इक्वेशन की दोनों साइड एल एच एस और आर एच एस में यदि न्यूमिरेटर की वैल्यू सेम है तो डेनोमीटर का सम करेंगे और सम करने पे यदि दोनों का सम इक्वल आ जाता है तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वेरिएबल एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगला सेम वही है, इधर भी क्या है न्यूमिरेटर 1 तो लिखेंगे न्यूमिरेटर यहाँ 1 है इज सेम इन बोथ साइड इन बोथ साइड्स therefore sum of denominator in LHS LHS के denominator का सम करेंगे तो आ जाएगा x plus 2 plus x plus 6 equals to x और x हो गया 2x plus 2 और 6 8। therefore अब आर एच एस साइड करेंगे सम ऑफ डेनोमीटर इन आर एच एस तो एक्स प्लस 1 आर एच एस में एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 7 एक्स और एक्स 2x प्लस 1 और 7 8। दोनों साइड में डेनोमीटर का सम जो है डेनोमिनेटर का जो सम है एल एच एस और आर एच एस साइड में इक्वल आ रहा है इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 0। थैंक यू।